आप खैरियत से हैं? ठीक है सर, जी आप सुनाएं, मैं तो खैरियत से ही रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है सर। क्वालिटी के मियार को बरकरार रखने के लिए कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सर अच्छा बताइएगा, जैस का ये नंबर प्री पेड है या पोस्ट पेड? आप इस नंबर पर बैलेंस करवाते हैं या बिल वाली सिम आपकी? आपने फोन किया है, कंपनी से आप बात कर रही हैं तो आपने मुझे बताना है ना कि मेरी पोस्ट पेड है या प्री पेड है। लेकिन सर आपसे भी ना पूछना जरूरी है, ठीक है, कि आप बैलेंस करवाते नहीं हैं इस नंबर पर या बिल वाली सिम? ये तो मुझे आप बताएं ना, मेरे पास तो ये सिम होती है, ये बड़े भाई पता नहीं क्या करते, इसमें पोस्ट पेड करवाते हैं या प्री पेड। मुझे दे देते हैं मोबाइल के, चलाओ यार ऐश करो, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ इसपे, इंटरनेट भी चलता है इसपे, फिर कॉल भी हो जाती है और हजारों में एसएमएस भी मिलते हैं, वो एसएमएस मैं कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता ज्यादा। यानी कि आप बैलेंस करवाते हैं इस नंबर पर, ठीक है सर? नहीं वो बड़े भाई को पता है, वो उनसे बात करनी है आपने। नंबर आप यूज करते हैं ये? अच्छा, नंबर ये उसी का नंबर है, ये मुझे दिया, उसने गिफ्ट दिया था मोबाइल सिम भी उसने दी थी, ये सऊदी अरब से आया था। लेकिन सर नंबर आप इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल क्या मतलब, ये साबुन थोड़ी है जिसे इस्तेमाल करेंगे। सर जाती इस्तेमाल में नंबर आपके है ना, वैसे आपके भाई के नाम पे ये सिम? जाती इस्तेमाल का क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है कि आपका मोबाइल नंबर मैं यूज कर सकूं। अगर आपके भाई का ये है ना नंबर, तो उनसे बात करवा दें, आप नहीं इस्तेमाल करते तो। तो भाई तो सऊदी अरब रहते हैं, और ये फोन कौन यूज करता है? ये आपके फोन पास होता है ये नंबर? कोई यूज करने वाली चीज है, बंदा कपड़े यूज करता है, जूती यूज करता है, फोन का कौन यूज करता है। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, जाए तो ना मुझे। सर आपको ना दो सहूलियात दी जा रही है, बीमा सेहत की और बीमा हाथ साथी था उसकी, उन्हीं की मालूम बताने के लिए आपसे रब्ता किया गया, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर आप इस्तेमाल करते हैं ये जाती इस्तेमाल में आपके है। ये बीमा क्या होता है थोड़ा सा बताएं। सर आपको ना तहफ़ दिया जा रहा है कंपनी की जानिब से, ठीक है, बीमा सेहत की और बीमा हाथ साथी तहफ़ की सहूलत दी जा रही है, ठीक हाथ साथी तहफ़ है। मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ ही हादसा पेश आ जाता है ना, मुश्किल मजदूरी है, जानी नुकसान हो तो जाता है मैडम दोनों काम खुदा दोनों का खौफ बातों करो, मेरी तो अभी शादी भी ना हुई, आप मुझे मुस्तकिल माजूर बना रही हैं, अल्लाह रहम करे, दुआएं मांगे, कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, आप कैसी बातें कर रही हैं। मुझे तो लगता सर। है अल्लाह आप ना, वैसे ही पढ़ी लिखी नहीं है, क्या किस तरह की बात कर रही है सुबह के 9 बजे, कुछ तो सर शर्म अल्लाह लाया ना करे। करे, देखे मैं, मेरी वालदा है, मेरे वाल साहब है नहीं, यतीम आदमी हूँ मैं, मुझे उनके घर का सहारा बनने दे, आप मुझे किस तरह की अपने हादसा का शिकार बना रही है। सर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, ठीक है, अल्लाह आपको सेहत और मैं तो तंदुरुस्ती वाली चाहूंगा अल्लाह जिंदगी आपके दे। साथ भी ऐसा ना करे, आप अजीब ही सुबह सुबह 9 बजे किस तरह की बातें कर रही हैं, कोई प्यार सर वाली आप ना बातें नंबर, बंदा करता है, कोई मीठी मीठी बातें करता है। सर आप ना नंबर सेव कर लीजिए, जब आपको लगे कि आप सहूलत में शामिल होना चाहते हैं आप रابطہ कर सकते हैं कंपनी से, ठीक है, 9878 पर। नहीं आप अपना नंबर देना, ये कि इस नंबर का मैं क्या करूंगा, इस पे तो मुझे लगता है मैसेज ही नहीं जाते। सर यही मेरा नंबर है 9878। सर नहीं आपका नाम क्या है, नाम तो आपने बताया ही नहीं। मेरा नाम राखिल है, राखिल राखिल करने के लिए आपका नाम जानना चाहूंगी जी। नहीं, आप पहले ज्यादा इंट्रोडक्शन दें फिर मैं बताऊंगा। आजकल वो लड़कियां सर केस कर देती है ना हैरासमेंट का, इस वजह से। आप सुलेख के बारे में जानना चाह रहे हैं? नहीं मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, कवारा हूँ ना बैचलर, इस वजह से सर माजर चाहती हूँ, मैं ना आपको अपने आप बारे में मुझसे माफी इंफॉर्मेशन नहीं क्यों दे मांग रही सकती हैं, है, आप ठीक मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं। नहीं कोई बात नहीं, माजर चाहती हूँ, मैं ना अपने बारे में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, ठीक है? नहीं ये तो गलत बात है ना, आप मुझसे इतना कुछ पूछ रही हैं, मैंने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया है, अपने भाई के बारे में भी बताया है, सब कुछ अपना बायोडाटा आपको बता दिया, और आप कह रही हैं कि आपने पर्सनल रखना है, तो ये तो नहीं ना। आप फिर पर्सनल सर नंबर से भी कंपनी, रब्ता कर ले, अगर पर्सनल रखना है तो सर कंपनी ना हमें अलाउ नहीं करती कि हम अपना पर्सनल डाटा किसी से शो तो करें, आप ठीक है? कंपनी से बाहर आके बात कर लेना, मोबाइल तो आपके पास भी होगा, उससे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, वहाँ पे बात करते हैं। सर माजरा चाहती हूँ, मैं ना आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकती, अगर बाद में आपको लगे ना कि आप सूरत में। ये माजरत कौन है, मैं कहाँ से लाऊँ, आप बार बार कहती है माजरत को चाहती हूँ, माजरत को चाहती हूँ, मुझे क्या पता माजरत कौन है, किस बंदे का नाम है। सर बाद में अगर आपको लगे ना कि आप सूरत में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप ना बाद में रابطہ कर सकते हैं कंपनी से 9878 पर, ठीक है? मैं शामिल होना तो चाह रहा हूँ, आप बता ही नहीं रही, नाम पता बताएं, कोई एसएमएस वगैरह, फोन नंबर, कोई कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, ये तो नहीं ना वैसे। सर तो आपके कीमती वक्त तावन का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जा रही है ना, जाए प्लीज, बात तो सुन ले। हेलो सर बाद में राखिल, अगर आपको लगे ना कि आप सहूलत में शामिल होना चाहते हैं तो आप रابطہ कर सकते हैं 9878 पर, ठीक है? कीमती वक्त तावन का शुक्रिया, मैं कॉल करूंगा अल्लाह तो हाफिज। आप ही बोलेंगे आगे से।
सर जब आप कॉल करेंगे ना तो हमारे नुमाइंदा आपसे बात करेंगे, ठीक है? आपने नहीं करनी बात, नाराज हो गई है। कीमती वक्त तावन का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ऐसे तो ना करें, मैं तो मसरूफियत से टाइम निकाल के आपकी बात सुन रहा था।